दूध पी लो। इसे दूध को से मनोज को दिया और उसकी रस्सी खोल लिया। अजी तुम ना बड़ी चिंता करी, उसने दूध भी पी लिया, उसकी रस्सी भी खुल गई। रस्सी खुल गई? गेट भेड़ का फटाफट ले लिया। गेट तो मैंने भेड़ दिए। क्या करें, इसका कुछ समझ में बात नहीं आती। सारे दिन गांव में उल्टे सुलटे काम करे, कुछ कहवे तो पाड़ने को आवे। ब्याह हो जाएगा, सिर पे जिम्मेवारी आ जाएगी, अपने आप काम करने लगेगा। अरे के ऐसी तैसी करने लगेगा, सुरे ने सारे कुंडबे की नाक में दम कर रखे। अरे अरे किसी को कुछ दिखाई देवे के? अरे आज तो मैं मम्मू भाई भैंस नुवारा आयो। अरे मैं यूं सोचा, हम जिंदगी में नहाए हो या ना नहाए हो, भैंस तो नुवा लू। अरे भैंस के तू अपने आप नुवारा, भैंस तो तेरे पे वो रात वाली गोड़ा लच्छी नुवारी। खैर एक बात है भाई, तो मम्मू भैंस नुवावे बहुत मुड़ मुड़ के। क्यों भाई, भैंस दूध ना देती? दूध और हल्दी चोट में बहुत काम आवे। अरे सुन, मैं भैंस को नुआ के उसका तेल भी लगाऊंगा। अच्छा रे। खैर भाई एक बात है, तेल तो रात लच्छी का भी लग रहा था। हाय, इस गुस्से को कभी नाक पेटी भी उतार दिया कर। आज स्कूल ना गया, मैं भरवाऊं पानी। तारा कोई काम ना है? मैं तो क्यों नाराज हो रहा है, मैंने तो खोल दिया था। मैंने क्या ही तेरे से खोल लेगी, जाना वो भेड़ का फूफा आ जाएगा। लिखावे ऐसे जब बड़ा दिखे चश्मे लग रही हो। किसी से कुछ भी कह ले पर मेरे से नाराज मत हुआ कर। के कुसामन से करवा रहा है? मुझे जरूरत ना है ऐसी कुसामन से। दिखे देख, इससे बढ़िया ना मिलने वाली तुझे। हाँ यही आई है चांद पे उतर के। देख लूंगी तुझे भी, तू कौन से उसने की परिव्याह कलाऊगा। देख लिए, सारी दुनिया देखती रह जाएगी जब लाऊंगा। सीट गलत पकड़ गई। अरे कमरू देख तो क्या गदर मारा है तो। जसवंत ये मेरे चाचा की छोरी है। चाचा की? अच्छा सुनो, सब अपनी अपनी किताब ले ले, वहां पे के नीचे आ जाओ। शबनम तू? अरे हिमलता तू? तू कहाँ बैठी थी? मैं तो वहाँ बैठी थी पर तू कहाँ बैठ गई? या तो बड़े बदतमीज लड़के मनोज की सीट है, तुम्हारे दो राजा। अरे मैं तो ना बैठा था, कोई अपने दो रे। अपनी माँ बाण दो राजा का बैठ जा। देख ले हर वक्त अंगारे बरसावे बस। दूर रहकर ना तो फुक जाएगा।
अरे हम तो कण को तैयार बैठे हैं। तो भूख जाओ फिर हमारे नाम में लोगो। अरे नाम तो किसी के लगा देता हूँ, फूक तो दो। जब बजा गया इधर बेजती थी। कैसे कैसे अजीबो गरीब नमूने इस स्कूल में, ये तुम्हारे पीछे ऐसे ही पड़े रह गए। छोरियों के पीछे तो इस स्कूल के लड़के बावलों की तरह पड़े रहे। सारी क्लास ही ऐसी है क्या? सारी क्लास, पूरा स्कूल ही ऐसा है। एक ठीक है तो वो किसी से सीधे मुंह बात ना करता। तो लड़कियों से बात ना करता? लड़कियों से तो ऐसा चिड़ा जैसा उसे खा जाएंगे। मैं अपने मामा के यहाँ पढ़ू थी, वहाँ का माहौल ठीक था। और तो और स्कूल में जाने की नियाँ भी बस लगी हुई थी। यहाँ रोज पैदल जाना पड़ा है और यहाँ तो सवारी का भी कोई साधन ना है। बच्चों छोरियों चल। भैया जी रुकिए रुकिए, भैया आपकी दाती गिर गई। दाती रोकियो, फूकी थामियो, दाती गिर गई। अरे कित जाओगी तुम? यही जाओगे समोली? आ जाओ तो बैठ जाओ, वहीं उतर जाइयो। आराम तो बैठियो, कि चोट लगवा लो। बैठ गई? चलो चल। दोनों संभाल ले जाओगी? हाँ भैया जी। कौन सी क्लास में पढ़ा करो तुम? इंटर में। चल बस भैया जी, यही रख दो, हमारा काम आ गया। अच्छा देखियो ये लंबे वाली छोरी कितनी सोनी है, ऐसी मारे मनोज कहा जा तो। मनोज के पहली बात तो मनोज के ऐसी आवे नहीं, और जो आ गई ना उसके लक्षणों को देख के 4 दिन में ही भग जाएगी। तेरा सुसरा सारे दिन फिर हो जाए पीढ़ी पिस्ता। चल देख लेगा ना तो तेरी क्या लड़ाई झगड़ा कर देगा। अब लल्लू की तरह यहाँ मत बैठ, बाहर पेड़ तले क्लास में चला जा। हाँ तो मैं कह रहा था, अहिंसा परमो धर्म है, यतो धर्मस ततो जय, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। जहाँ धर्म है वही जय है। तू क्या लड़ाया, जा भाग जा यहाँ से, तेरा तो नाम कट गया। एक महीने में आया, शराब मान रखा है स्कूल को। जा अपने बाप को ले बुला के, नहीं तो यहाँ आ मत जाइए। अजय गुरु जी अब क्या चढ़ा लो नाम, अब ना करने का एक दिन की भी छुट्टी। मनोज मैं तुझे कितनी बार समझा चुका। यू है क्या मनोज? हाँ यू ही तो है। अजय चढ़ा भी लो, जब मैं कह रहा इब ना करने का ऐसा। जा राज्य में चला जा, क्यों मुझे डंडा खाने मजबूर करे। जा ओए सीधे बैठो, या भेज दूं सी गल तो मैं भी। अजी उसकी गल तो हम रोज ही रहे, हम इनकी गल बैठा देने आगे बैठी। अरे थरी दौर बैठे हो रहे स्कूल में, बिना डंडे के ना सुधरो तुम। इधर आओ जी, हम तो पढ़ान के मारो कह रहे थे कि इनकी गल बैठा दो हमें आगे। मुर्गा मुर्गा बनाओ सारे, तो मैं आज आज भी बना के छोड़ दूंगा। जा अजी अजी मास्टर जी कह तो रहे था हम अगर मुर्गा बनो और आदमी कुकर बन जाएंगे हम। तुम मुर्गा बनो पहले, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अजी गुरु जी मुर्गा तो तुम मजा बना दियो और इनकी बनाई है मुर्गी।
जुबान चला रहे हैं मुर्गा बनो। मास्टर जी आपको प्रिंसिपल साहब दफ्तर में बुला रहे हैं। अरे ठीक है, जब तक मैं ना हूं ऐसे मुर्गा बने रहना। रे स्कूल में मुर्गे आ गए, किसी को दाना घेरना हो तो घेर लो। अरे घरों भी कोई दाना हो ना तो बता दिए भाई, हम तो थारे घरों जाके चुग लेंगे। कौन बोल रहे हो, तोड़ दो तीनों को, यहीं धरका यहीं पड़ पाओगे। अच्छा, अरे वो ना हमारा शेर, उसके आगे ना खोलने का जुबान क्रूस पर दिए थे भी। अरे क्यों यार, शास्त्री कहाँ है? अरे शास्त्री को फूंक पर यहाँ मुर्गा बनवा गया मैं। कुछ होया भी? अरे हुआ के, वो शास्त्री है ना। अरे बोल अजय, गुरु जी यू है मेरा बाप। क्या मतलब? मेरे पिताजी हैं जी। तुम्हारा ये लड़का इतना नालायक है, इतना नालायक है, मैं इसे स्कूल में बिल्कुल नहीं रख सकता। स्कूल में तो आके जो थारा भी टाइम खोरा और अपना भी टाइम खोरा। मेरे मानो तुम इसे या तो कोई काम धंधा सिखा दो या खेती बाड़ी में लगा दो इसे। ठीक कह रहे हो मास्टर जी, इस तरह पूरा गांव दुखी है और इसका बाप दुखी। क्या मेरा मतलब है, मैं भी पूरा दुखिया लिया इस तरह, तो अब तो तुम इसका नाम चढ़ा दो। श्रीमान जी इसकी इतनी शिकायत है, मैं इसका नाम बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता। हाँ प्रिंसिपल साहब से मिल लो, चलो देख ले। अब तुम सब अंदर कमरे में जाओ, आप मेरे साथ आओ जी। चलो चलो आइए आप। अरे शास्त्री जी क्या समस्या है? सर ये है वो लड़का मनोज, इतना नालायक लड़का है सर, कभी स्कूल टाइम पे नहीं आना, कोई काम टाइम पे नहीं करना। क्या भाई सीधे खड़े हो? पहले कॉलर ठीक करो, ये क्या है? इन्हीं हरकतों की वजह से इसका नाम कट गया सर, और आप इनके पिताजी नाम चढ़वाने के लिए आए सर। पहले से लापरवाही दिखाई दे रहे तुम तो, तुम्हारी ड्रेस प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं, इस तरह से चलेगा कॉलेज? सही समय पर आया करो, ठीक है? समय पर आओगे? आप भाई आप इनके पिताजी हैं? हाँ मैं इनका पिताजी हूँ। अच्छा, आपको पता चला था कि इनका दाम कट गया? हाँ मुझे पता लगा। अच्छा, हम भी बहुत परेशान हैं जी इनसे। परेशान? आपका इतना कोई भरासत कर दी तो इतना डर तय तोड़ दियो। ठीक है, इसकी पिटाई तो हम करेंगे ही बाद में। क्यों शास्त्री जी, ने चांस दिया था? ठीक है सर, रख लो सर। ठीक है, एक चांस और देते हैं हम तुम्हें, इसके बाद भी अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर नहीं रखे जाओगे। चाहिए मरगा पूरा रक्त तो सही क्यों मार रहा मेरा? साले मास्टर के सामने तो झेड़ झेड़ मार रहा था, मारता तेरे वहीं तो जो मेरा नाम ना कटा होता तो। अच्छा, हम कभी अपने असली बाप पे तो पीटते ना, यूं पीटेगा? अब तो 10 रुपए निकाल, नाम चढ़वाने गए, सिगरेट की डिब्बी तय हुई थी। जा भाई अभी क्या हुक्का? ठीक है आगे तो बना लिया मुझे अपने बापू। अच्छा तू ही है एक मेरा बाप बनने की ना, चला जा साले ब्लॉक वाले ढूंढते फिर है तुझे। अम्मी सलाम। सलाम, आ ली तू? हाँ। चल रसोई में तो रोटी खा ले। अरे रोटी छोड़, पहले एक बात सुन। अरे काम तो करने दे पहले। नहीं अम्मी पहले बात सुन, क्या बढ़िया बात बताओ। क्या बात सुना रही? सुना के हदीस सुनावेगी तू? अम्मी महारे स्कूल से कैसे तूफान पड़े पता? अम्मी महारे स्कूल से एक छोरे का नाम कट गया, और अम्मी नाम चढ़वाने की निया छोरा अपने बाप की जगह किसी दूसरे आदमी को अपना बाप बना के ले आया। अच्छा है? अरे इतना झगड़े बाजे कि कोई उसकी डेस्क पर भी नहीं बैठ सकता, और अगर बैठ गया ना तो उसकी खैर नहीं फिर। पर अम्मी मैंने तो वही डांट दिया। अच्छा, ऐसे छोरो तक दूर राख रहे हैं, मुंह ना लगा करते इनके। अरे अम्मी वो तो वो उसके साथी तो और भी चार चंदे आ गए, और वो तो खड़े ही कूदे। ये लाल बहू किसकी? मेरी। छोड़ छोड़।
लाल बहू किसकी? मेरी। तेरी ना तेरे बाप दादा किया था मेरी। पर पता को कर चल लगा कैसे होगा? हाँ अभी देख रहा हूँ भाई, देखो। हाँ मैं उसे उछा लूंगा। हाँ यू जिंगे गिरेगी। हाँ। उंगे तो ब्याह होगा। अच्छा तो यू अगर उंगे गिरी इंगे। हाँ अच्छा तो आएगी पारो पारो। अरे हाँ। तेरी फिर तो अड़क अड़क हो जाएगी भाई। अरे सुनो अगर ये उंगे गिरी इंगे तो आएगी पुरबनी। पुरबनी? हाँ भाई वाह। आज सुनते हो रिंकू के पापा, जरा लंग को आज आवाज दे, बुलाए देर से बुला रही हूँ। आज सुन यार। हाँ अगर यू उंगे गिरी हाँ तो आएगी पहाड़न। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना मेरे यारों। ओ ओ हुसन, ओ हुसन आगे भी बैठ ले कहीं। हाँ अगर यू गिरी उंगे तो आएगी भाई दिल्ली की। दिल्ली की? हाँ भाई एक बात है, वो तो पहनेगी जींस और देखेगी फिल्म और हम पड़े रहेंगे घेर में, पीवेंगे चिल्लाऊं। अरे क्यों खड़दू काट रहे हो, ये लियावांगे बंदो तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, चल के पढ़ लिख लो। अरे ताओ तन्ने अपनी तो कह ली, मारी तो सुनता जा।
दुल्हन ने खूब घुमावे शिमला और मंसूरी जावे शिमला और मंसूरी जावे शिमला और मंसूरी जावे गोवा ऊटी कुल्लू मनाली पुणे में हनीमून मनावे पुणे में हनीमून मनावे पुणे में हनीमून मनावे तन मन मारा उछले रे तन मन मारा नस नस में बिजली कड़के अरे नई नवेली दुल्हन लियावे किब जांगे घोड़ी चढ़के नई नवेली दुल्हन लियावे किब जांगे घोड़ी चढ़के कदलो भी थोर कोड़े जाके कदलो बहु बिराणी काके कदलो बहु बिराणी काके कदलो बहु बिराणी काके आधी आधी उम्र के होके सबर शांति कदलो राखे सबर शांति कदलो राखे सबर शांति कदलो राखे दे उठते ही क्या कर दो दे उठते ही क्या कर दो ना जावे कोट में करके पर नई नवेली दुल्हन जावे जिब जांगे घोड़ी चढ़के नई नवेली दुल्हन जावे जिब जांगे घोड़ी चढ़के इक बैजा हो जामारा इक बैजा हो जामारा फिर के करेंगे पढ़के पर नई नवेली दुल्हन जावे जिब जांगे घोड़ी चढ़के नई नवेली दुल्हन जावे जिब जांगे घोड़ी चढ़के